मीटू को लेकर आप बात को ले कर दो और ऐसी चल रही है जहां तनुश्री और राखी वो वो पर आ गई है तो क्या कहना चाहेंगे रोहित इसके बारे में क्योंकि वहाँ पे भी यही चीजें हो रही है कि सही है गलत है कुछ समझते देखिये एल्टली जो तनुश्री के साथ हुआ जितना मेरे को पता है वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है ओके मैं तनुश्री के साथ काम कर चुका हूँ तो तनुश्री इज़ अ वेरी डिग्निफाइड एंड अ वेरी नाइस वूमन ओके तनुश्री के साथ जो हुआ कोई भी औरत अपने लिए जब तनुश्री के साथ ये हुआ था तो उसका करियर बहुत पीक पे था उसने इंडस्ट्री छोड़ दी थी बिकॉज शी वॉज सो ट्रामेटाइज ओके सो लाइक दैट एंड शी हैड ऑलरेडी हैड हैडफुल ऑफ मूवी ओके तो देखो तो जब मैं तनुश्री की बात पूरी सुनता हूँ तो मेरे को उसकी बात में बहुत दम लगता है क्योंकि जहाँ पर उसके पास गाना था वहाँ पर उस वो बहुत सारे पैसे भी कमा सकती थी शोज़ करके उसने सब कुछ छोड़ दिया अब राखी इज अ गुड फ्रेंड ऑल्सो यू नो पर मैं इन दोनों की लड़ाई में मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं ये मैं अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ मीटू का मैं नहीं चाहूँगा इस ये बहुत सीरियस मुद्दा है लोगों को इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं कल को ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको कोई लड़का कहते हैं कि आपने उसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयट किया एक, आपको एक या किया आप क्या करेंगी उस वक्त ये सवाल मैं पूरे समाज से पूछता हूँ ये किसी के साथ भी हो सकता है पर झूठ करके क्योंकि तो हमको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए अगर आप झूठ बोलते हो यू नो आप किसी का कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हो तो ये जिंदगी बीस साल है तीस साल हमारी जिंदगी और है हम सबको ऊपर मुँह दिखाना है यू नो सबके कर्म यहीं पर निकलते हैं

कितनी खूबसूरत लग रही हो खाना खाया गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कब मिल रही हो जाने मन ये सब हमको भी ये सब मैसेज करते हैं लो। ये लोग हमको भी ऐसे मैसेज करते हैं अब आप कोई भी लड़की ओके okay? एक मतलब कोई लड़की अगर ब्यूटिफुल इंडस्ट्री में है ओके okay? अब वो सामने आदमी के खड़े हो गई अपना पूरा क्लेवच दिखा के या कपड़े उतार के खड़े हो जाए तो क्या आदमी उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा कोई भी आदमी नहीं छोड़ेगा ओके okay? तो बॉट आई एम सेंग इट इज़

अगर वो कल को उठ के मीटू लगाना शुरू कर दें यू नो हम नहीं फोर्स करते मैं तो एक, 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 क्वीन मैं, I I मैं एक अगर एक लड़की के तो, वो क्या, मेरे को दो झापड़ नहीं मार सकता है एक लॉजिक की बात आप सोचिए तो मैं हमेशा सच बोलता हूँ पर इस चीज का फायदा उठा अब ये कह रहा है कि मैं मैंने इनके प्राइवेट पार्ट में हार्थ लगाया अगर मैंने इनके प्राइवेट प्लांट में हाथ लगाया तो क्या दोबारा ही आ गए थे मेरे घर पे लगवाने के लिए फिर तिबारा भी आ गए चार बार आ गए मेरे घर पे अंदर आप किस मेरे घर पे आ रहे हो आप खाना खा रहे हो आप जिस खाना में खा रहे हो उसके ऊपर आप थूक रहे हो मेरे घर पे कृष्ण भगवान है मेरे घर पे हम, हम, मैं सुबह उठ के मंगल आरती करता हूँ मैं एस्कॉन डिबोटी हूँ आप मेरे आंखों में आके देख के बात कीजिए कि आप किसके किसके कैरेक्टर के बारे में आप बोल रहे हो मैं ये नहीं कहता कि क्या कहते कि मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। मैं रहे हैं। आप मेरे को गूगल पे कर देखो मेरा किसी के साथ लिंकअप देखोगे मेरे साथ कभी क्योंकि तो मैं हमेशा प्राइवेट पर्सन रहा हूं आई हैव नेवर टेकन आउट माई रिलेशनशिप आउटसाइड पब्लिक सो आई डोंट टॉक अबाउट दिस इट्स लाइफ इज माई प्राइवेट अफेयर इज माई प्राइवेट इज माई प्राइवेसी विच आई whom all I have gone out with.

आप कभी फेमस नहीं होगे आपको कभी कोई काम नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों की बदवाएं लग जाती हैं और आज मैंने दिल से उसको कर्ज किया है क्यों क्योंकि उसने मेरी मम्मी के आंख में आंसू दिला दिए आज मेरे मेरे को मैंने जिंदगी में हमेशा सर उठा के जिया है अपने फैमिली के आगे आज मेरी फैमिली में उससे क्वेश्चन करी कि हु इज दिस नॉनसेंस गाय प्लीज समझिए हैव गॉन थ्रू इन दिस टेन डेज

लोग क्या मेरे बारे में बात करते हैं मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता कि नोबडी इज रनिंग माय किचन आई एम रनिंग माय ओन किचन बिकॉज़ आई एम ओपन अबाउट माय सेक्सुअलिटी दैट डज नॉट मीन दैट यू विल पॉइंट फिंगर ऑन माय कैरेक्टर आई एम नॉट मेकिंग सेंस टू यू सो लाइक यू नो आई वुड लाइक टू टॉक दैट यू नो सबको अपनी जिंदगी अच्छे से जियो ये सब क्या बकवास मचा के रखा है इंडस्ट्री ने वो उसके ऊपर थूक रहा है तुम उसके ऊपर थूक रहे हो इन लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे के मैसेजेस वहाँ राखी इतने वीडियोस डालती रहती है यू नो वो ताला वाला इट्स नाइस इस, हमको हंसी आती है इट्स एन इंटरटेनमेंट तनुश्री के साथ जो बीता वो खुद बता सकते उसके साथ क्या बीता मैं अपने अपनी लड़ाई में इंसान इधर कोई किसी का सहारा नहीं होता तुम अपने सहारा खुद हो ये जिंदगी ये संघर्ष तुम्हारा है तुमको ही फाइट करना है और तुमको ही इसको झेलना है क्योंकि तो हम ग्लैमर इंडस्ट्री में यू नो लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ यहाँ पे खो दे खो बैठते हैं हम अपनी ग्वर इंडस्ट्री में इतना चक्का चौद हो जाते हैं हम अपना अस्तित्व खो बैठते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं बट द थिंग इज इज लाइक लोग कहते हैं अगर आप पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी उछलेंगे जो आज लोग ये लोग मीटू की बातें कर रहे हैं उन सबको पूछो जो एक दूसरे के लिए लगा रहे हैं वो खुद कितने चरित्र चरित्र फूल हैं उन्होंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने कभी भी लाइफ में क्या कहते हैं कि, कि किसी को भी लेके ऐसा नहीं लाइक नो बड़ी सेंच यहां पे कोई गंगा का से नहाया हुआ नहीं है सब अपने अपने, अपने लिए प्राइवेटली करते हैं चाहे वो बड़ा स्टार हो जाए चाहे वो बड़ी हीरोइन हो जाए चाहे वो मॉडल्स हो जाए चाहे वो डिजाइनर्स हो जाए चाहे कुछ हो जाए

फ़ायदा मत उठाओ इस मोमेंट का फायदा उठाओगे तो आप नहीं सोच सकते हो कि हम लोग के कैसे 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 लोग हमारे घर है हमारे नेव्यू नीज है सब बड़े हो गए सब बच्चे आज हम लोग सब पब्लिक फिगर है सब हमको देखते हैं उस दिन पूनम मम्मा ने मेरे को फ़ोन किया पूनम जिला कि बेटा मैंने भी तुम्हारे बार सुना मैं ट्रैवल कर रही थी मैंने आपका नाम सुना मैंने कहा मम्मा आप किसके पे कहते बेटा मेरे को विश्वास है कि तुम क्या हो तो जो लोग लो मेरे को पहचानते मेरे मेरे को को पहचानते मजबूरन ये सोशल मीडिया में इतना तमाशा करना पड़ा इतना सब डालना पड़ा चीप टॉपिक टू इवन डिस्कस अबाउट तुम उसके साथ सोए तुमने उसके ऊपर हाथ लगाया तुमने ये सब बहुत दिस। जिसके ऊपर बीतती है उस इंसान को पता चलता है उसके क्या बीती है कि वो दर्द हम महसूस करते समाज तो नहीं महसूस कर रहा है हम वो दर्द महसूस कर सकते हैं और कोई महसूस नहीं करता आई अंडरस्टैंड आई हैव गॉन थ्रू इन दीज टेन डेज आई एम गो फाइट द केस और जब मैं, जब मैं जीत जाऊंगा केस तो कोई मीडिया वाला सामने नहीं आएगा मेरी सच्चाई सच्चाईस लोगों के सामने नहीं बताएगा कि मैं सच थी और केस तो मैं जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास उनका उनके अगेंस्ट मेरे पास सारे एविडेंसेस आ गए